इधर एक जन है, स्वामी विवेकानंद जी बन के बैठे हैं। मम्मा की कर हाथ ओरम कर नहीं छिस क्या की है आले मेरा स्वामी जी आ जाओ हैंड जेस्चर देख रहे हो, हैंड जेस्चर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के व्लॉग में। तो आज है 1 जनवरी 2023, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। होप कि आप सभी का नया साल बहुत अच्छा जाए। हालांकि लास्ट ईयर मेरा कुछ खास नहीं गया था, अचानक से ऑपरेशन करवाना पड़ा, लास्ट ईयर के एंड में ऑपरेशन हुआ मेरा। तो अभी जो रिकवरी का मूड है वो चल रहा है, वो हालांकि बहुत तेज़ी से नहीं, स्लोली चल रहा है, पर अभी पहले से थोड़ा बेटर हूँ। आज सोचा कि आप लोग के साथ थोड़ा मेरा जो थॉट्स है वो शेयर करूँ। तो आप सब कैसे हैं ये बताना ज़रूर कमेंट करके। मैं अभी थोड़ा पहले से ठीक हूँ। इसी नए साल के अवसर में पंकज जीना जी का एक लिखा हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो वो ये है, सुनना, हाँ ध्यान से सुनना। गुजरते हुए साल ने बहुत कुछ सिखाया, कुछ मतलबी चेहरों और कुछ अपनों ने भी रंग दिखाया। अब इस साल थोड़ा संभल कर चलना है, हाथ मिलाना है पर गले नहीं लगाना है। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखें। हालांकि जो रिलेट कर पाएंगे वो जानते हैं, जो रिलेट ना कर पाएं उनको मेरा ये एडवाइस है कि आप ये हर पल ध्यान रखें। मैं अपने खुद के ओपिनियन से बोल रही हूँ ये, कोई बात नहीं। नए साल के पहले दिन में इतना भारी भरकम बात नहीं करना है मुझे, बस मुझे लगा कि जो थॉट्स है वो आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने किया। और हाँ, फिर से बोल रही हूँ, नया साल आपके लिए बहुत बहुत ढेर सारी खुशियाँ लाए, बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों के लाइफ में आए। और हाँ, मेरे लिए भी थोड़ा थोड़ा बहुत दुआ कर देना कि मेरा भी नया साल बहुत अच्छा जाए, लास्ट ईयर जितना बुरा अप्स एंड डाउन गया वैसा ना जाए। और हाँ, लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि सीक्रेट सेंटा गिफ्ट वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो दिखाऊँगी। तो लास्ट व्लॉग में मैं दिखा नहीं पाई, इस व्लॉग में शेयर करूँगी वो। तो चलिए साथ में अनपैक करते हैं। और हाँ, न्यू ईयर का जो गिफ्ट है वो भी मुझे मिला है, तो बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं तो चलिए बस स्टेप बाय स्टेप वो अनपैक करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलिए, मंकू का बेड है यहाँ पे, ठीक है, और इसको सोना है यहाँ पे विद ब्लैंकेट। मम्मा अरे की स्टाइल घूम बेटा, मां विद ब्लैंकेट उसको ऐसे सोना है। ये सारे गिफ्ट है जो मुझे मिला है 25 दिसंबर क्रिसमस के लिए, तो अनपैक करते हैं। और इसका कुछ अनपैक करना नहीं है, ये जो है ये डीभू ने मुझे दिया है, ये जो है वो अक्कू ने मुझे दिया है, डीभू की जो भाई है वो, ये दो है जो इन दोनों ने मुझे दिया है। और अब आते हैं इस गिफ्ट में, ये मेरा एक भाई है जिनका नाम है डेविड, उन्होंने मुझे दिया था। ये इस साल का नहीं है, ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर क्रिसमस का है। ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि पहले तो ये लास्ट ईयर मिला था क्रिसमस के टाइम पे ही मिला था, दिस ईयर क्रिसमस के टाइम पे मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर जब मिला था तब मेरे चैनल का 100 सब्सक्राइबर भी नहीं था, तो तब उन्होंने दिया था। और आप इसका डिज़ाइन देखिए, तभी उन्होंने यहाँ पे जो मेरे चैनल का लोगो है वो डाल दिया था, तब मेरा 100 सब्सक्राइबर भी नहीं था, कैन यू इमेजिन। तो तभी उनको लगा था कि हाँ, ट्रैवल फ्रीक पूजा मेरे लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। तो ये मैं हूँ, ऑब्वियसली ये मैं हूँ, और इधर फ्राइड चिकन का हाँ फोटो है, वो जो डेविड भाई है वो बहुत अच्छा फ्राइड चिकन बनाते हैं और वो मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो
तो यहाँ पे जो जो पिक्चर डाला है वो सब कुछ मेरे रिलेटेड है। ये है मेरे चैनल का लोगो, इधर है फ्राइड चिकन जो मुझे बहुत ही पसंद है उनका बनाया हुआ, और इधर मैं हूँ क्रिसमस का जो कैप है वो पहने हुए, और ये एक फ़ोटो है मेरा जो उनको पसंद है वो उन्होंने डाला है। तो ये कप जो है ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। तो डेविड भैया अगर आप देख रहे होंगे तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 वेरी मच। और ये है एक गिफ्ट, और एक गिफ्ट है जिसको मैंने अभी तक अनपैक नहीं किया है, वो ये है, ये मुझे संगीता दीदी ने दिया था, तो न्यू ईयर के टाइम पे मैं अनपैक कर रही हूँ। मिला था क्रिसमस में और न्यू ईयर में मैं अनपैक कर रही हूँ। तो ये बॉक्स है, बाहर देखकर लग ही रहा है कि ये कप है। अब देखते हैं क्या है इसके अंदर। वाओ, दिस इज सो नाइस। पर मुझे ना ये सब कप ही क्यों देते हैं, हॉर्लिक्स पिला पिला के मार डालेंगे क्या? नहीं, ऑनेस्टली बहुत अच्छा है, इसके अंदर भी डिजाइन है, बहुत सुंदर है। तो ये था मेरा क्रिसमस का गिफ्ट, एक केक, एक ये और दो चॉकलेट्स। और आपने अभी तक नहीं बताया कि आप लोगों को क्या गिफ्ट मिला है, अगर नहीं भी मिला है वो भी शेयर करो, अगर मिला है तो शेयर करो ना, कमेंट करो। न्यू ईयर का जो गिफ्ट है वो इस पैकेट में है, तो आइए अनपैक करते देखते क्या है इसमें। ओट्स मिला है क्या मुझे? ओट्स है नहीं, ओट्स के साथ ये फ्री जार है। अंदर देखते क्या है। चिकन, वो भी फ्राइड वाले चिकन। ये भी मुझे डेविड भैया ने दिया है, तो वो जो कप जो था जिसमें चिकन का पिक्चर था वो इसी का था। तो इस साल डेविड भाई ने फिर से मुझे बना के दिया है चिकन फ्राइड, फ्राइड चिकन, सॉरी फ्राइड चिकन। थैंक यू सो मच, सो 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 मच डेविड दा, थैंक यू सो मच। ये सीक्रेट सांता गिफ्ट, न्यू ईयर गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट, ये सब तो एक बहाना है। गिफ्ट के ज़रिए जो प्यार मिलता है वही इम्पॉर्टेंट है। तो सारे गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच डेविड दा, डीभू, अक्कू, संगीता दीदी, और आप सभी को भी इतने सारे प्यार देने के लिए, इतने सारे विशेस भेजने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। नया साल आप सभी का बहुत 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 अच्छा रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक खुश रहिए।